हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम फाइनली अब कपलिंग के सम्स सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत काम लगने वाले हैं, जो 7 मार्क्स में अक्सर पूछा जाते हैं, जो कपलिंग के सम्स है, फ्लेंज कपलिंग के जो सम्स है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए इस सम्स को हम जल्दी से समझेंगे। और दूसरा कि आज मैं जो कपलिंग के सम्स है उसमें आज 25 नंबर का जो सम है कपलिंग का, 25 नंबर और 26 एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, 25 में पूरा का पूरा सॉल्व करूँगा और 26 उसे जैसा ही तो मैं ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, है ना। इसी एक वीडियो में दो ही सम कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखोगे क्योंकि 7 मार्क्स का सम है, थोड़ा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे सम्स एक साथ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये मज़ा नहीं आएगा इतना लंबा वीडियो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स का वीडियो बने, तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो जो हम एडिटिंग में जाएगा, एक्सपोर्ट में जाएगा, तो अपलोडिंग में जाता है, तो जितना लंबा वीडियो होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 या तो 3 पार्ट में इस सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको 25 को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे, और 26 जो उसके जैसा ही है तो मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब विंटर 19 7 मार्क्स जो लेटेस्ट पेपर के दो पेपर है उसके सम्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि हम जो है विंटर 2020 की जो एग्ज़ाम आने वाली है GTU की तरफ से, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके सामने ये जो PDF दिख रही है वो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है। अगर आप भी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, बहुत बहुत काम आएगी जो हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है उसके लिए। ठीक है, चलिए तो इस सम को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस सम को स्टार्ट करने के लिए पहले देखिए, सिंपल फ्लेंज कपलिंग है, उसको 40 किलोवाट ट्रांसमिट करना है और 450 के RPM है। ठीक है, तो एज अ गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो पावर ट्रांसमिशन है, जो शाफ्ट करने वाला है, जो कपलिंग करने वाला है, वो है 40 किलोवाट, है ना। और RPM जो रहने वाले है वो है 450 RPM। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि जो टॉर्क टू बी 25% मोर देन फुल लोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको शाफ्ट के जो सम्स करवाए थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फुल लोड के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करेंगे, 25% ज़्यादा टॉर्क है। ओके, तो 25% ज़्यादा यानी 100% प्लस 25%। ओके, तो इसका मतलब कि टोटल हो जाएगा 125% जो हम क्या ले लेंगे। आप क्या करना, इसको 0.2 पहले तो आप डिवाइड बाय 100 कर देना, इसको डिवाइड बाय 100 कर दे, यानी ये बन जाएगा 0.25। ठीक है, उसमें आप 0.25 में आप प्लस 1 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल मेथड है, इस किस तरह से ये आंसर आता है ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट अभी उसका हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, 25% मोर यानी 100% तो है ही, प्लस 25% एक्स्ट्रा है, इसके लिए 125% होता है, जिसको डिवाइड बाय 100 करते तो आपका आंसर आएगा 1.25 ऑफ टी मीन आ जाएगा। ओके, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें शाफ्ट का डाया कैलकुलेट करना है, तो शाफ्ट का डाया क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, थोड़ा जगह बचाते हैं तो यहाँ पे डी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। की के डायमेंशंस फाइंड करना है, यानी W थिकनेस और लेंथ ऑफ द की, ये तीनों हमें फाइंड करना है। नंबर एंड साइज ऑफ द बोल्ट, तो N हमें फाइंड करना है और साइज ऑफ द बोल्ट में हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम नया जो सीखने वाले हैं वो नंबर ऑफ बोल्ट और डायमीटर ऑफ बोल्ट किस तरह से फाइंड करना है वो सीखेंगे। बाकी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाफ्ट का डिज़ाइन और की का डिज़ाइन तो हमें वापस कॉपीज करना है कपलिंग के डिज़ाइन में, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें कॉपी करना है। नई नई चीज़ क्या है, तो यहाँ पे बस खाली बोल्ट की चीज़ है वो एक्स्ट्रा दे दी है। ओके, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, सबसे पहले हमारा एक काम कर देते कि शाफ्ट का डाया की का डायमेंशन है वो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला है कैपिटल पी इज इक्वल टू टू पाई एन टी मीन। मैंने आपको बताया था कि पावर वाले फार्मूला में जो टॉर्क रहता है वो मीन टॉर्क रहता है। ओके, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। ओके, तो चलो पावर है 40 किलोवाट 2 पाई एन, एन है 450 RPM और टी मीन हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू 60,
यहाँ से टी मीन आ जाएगा हमारा। ओके तो टी मीन आता है, हम फटाफट फाइंड कर लेते, तो 63 डिवाइड बाय 2π × 450। ओके तो 848.826 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, न्यूटन मीटर आ रहा है। तो हम इससे एक काम करेंगे, टी मैक्स निकाल लेते। तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, 1.25 × टी मिन हो जाएगा। तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा कैलसी में आंसर आया उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करो, 1.25 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, × 1.25 तो हमारा जो आंसर आता है 1,061.032 न्यूटन मीटर। अभी हम इसको न्यूटन एमएम में लगा देंगे, न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, × 10³ मल्टीप्लाई करते हैं और ये बन गया न्यूटन एमएम, है ना। अभी टॉर्क आ गया है तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट फाइंड कर लेते हैं। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला जो शाफ्ट का था, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। ठीक है, ये सब स्पीड में करना है क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। टी मैक्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ टाउ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो टी मैक्स जो आया है 1,061.3032 × 10³ इज इक्वल टू पाई बाय 16 डी क्यूब और टाउ ऑफ शाफ्ट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन है, चलिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, गिवन डेटा में हमें यह भी लिखना है कि टाउ ऑफ शाफ्ट नहीं, जो जो जितनी भी स्ट्रेसेस गिवन है सब कुछ हम लिस्ट डाउन कर देते हैं। आप देख सकते हो शाफ्ट और की स्ट्रेस दोनों दी है। ठीक है, तो सिग्मा एस लगा देते हैं 100 N/mm² और टाउ एस लगा देते हैं 50 N/mm², ये शाफ्ट के लिए। ओके, की के लिए भी है तो सिग्मा के लगा देते हैं, अच्छा सी है ना, सी क्रसिंग स्ट्रेस, सिग्मा सी के लगा देते हैं 100 N/mm² और टाउ की लगा देते हैं 50 N/mm². इसके बाद टाउ सी गिवन है, यानी जो टाउ है कपलिंग का सी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर कपलिंग के कुछ डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये वाला टाउ यूज़ करना है। और टाउ जो बोल्ट है वो भी गिवन है 40 N/mm². तो चलो अभी जो हमें ज़रूरत पड़ी है टाउ ऑफ शाफ्ट, यानी हमें 50 लेना है। ठीक है, तो हम 50 ले गए, टाउ ऑफ शाफ्ट क्या आ जाएगा 50, यहाँ से डायमीटर ऑफ द शाफ्ट मिल जाएगा, है ना। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट ढूंढ लेते हैं, फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स थ्री। अभी 47.63 है, उसका मतलब हम 48 करेंगे तो हम काम करते थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं 50 mm, थोड़ा सेफ साइड पे जाते हैं इस बार। ओके चलो, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आ चुका है, अभी हमें की के डायमेंशन फाइंड करने हैं। ओके, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ की वी नीड टू फाइंड। सबसे पहले हम यू ले लेंगे, डी प्लस 12 दैट इज 50 + 12 62 mm हमारा यू आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग स्क्वायर की करेंगे। अभी स्क्वायर की क्यों एज्यूम करना है, ये भी चीज़ मैंने आपको की वाला जो सम्स करवाए थे तब मैंने बताया था कि जब आप देख सकते हो कि की का जो टाउ है ये 50 है, अगर 50 का डबल करते हो तो आप देख सकते हो कि क्रसिंग स्ट्रेस आ रही है ना। तो इसीलिए जब भी ऐसा हो दिया है तो हम स्क्वायर की बिंदास एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है, स्क्वायर की एज्यूम की है। तो स्क्वायर की होता है तो स्क्वायर की का जब डब्ल्यू है और थिकनेस है वो दोनों सेम होता है, तो हम क्या लेंगे, यू बाय 4 ले लेंगे। इसका मतलब हम लेंगे 62 बाय 4, तो 4 वन ज़ा 4, 5 ज़ा
15.5 mm, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ द की है, आप डायमीटर लेंथ ऑफ द की इक्वल टू डीबी ले सकते हो, क्योंकि लेंथ जो है वो 0.75 डी से लेके 1.5 डी तक वेरिएशन रहता है इसका, ठीक है। तो मैं अभी बीच का ले रहा हूँ, तो डी ले रहा हूँ, ठीक है। 1 डी, 1 डी का मतलब है डायमीटर जितना ही ले रहे हैं हम, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, यानी 50 mm का हमने लेंथ ले लिया। ओके, तो की के डायमेंशन आ चुके हैं, बट एक बार चेक करने जरूरी है, तो चेकिंग की कर लेते हैं फटाफट। दोनों चेकिंग आपको करना है। ओके, सबसे पहला हम लेंगे चेकिंग की इन क्रसिंग, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ये की का सम नहीं है, ये कपलिंग का सम है। तो की की जो चीज़ें हैं जो भी है वो हमें फटाफट करनी पड़ेगी। ओके, तो फार्मूला हमारा हमें याद होना चाहिए, टी बाई टू इंटू एल इंटू सिग्मा सी इंड्यूस करवा देंगे, और एक डी बाई टू करना नहीं भूलना, ठीक है। तो टी जो है हमारा, तो टी क्या है, थोड़ा ऊपर से हमें टी को लेना पड़ेगा, ये दिख गया हमें टी, 1061.032 इंटू 10^3 इज इक्वल टू टी, टी दैट इज 15.5 बाई 2, लेंथ हमने लिया है 50 इंटू सिग्मा सी आई इंटू डी बाई टू, तो डी है हमारा 50 बाई 2। ओके, सो यहाँ से हमारा सिग्मा सी इंड्यूस आ जाएगा, तो सिग्मा सी इंड्यूस जो हमारा है 1061.032 इंटू 10^3 इंटू 4 डिवाइड बाय 15.5 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी 109 आ रहा है, तो 109 नहीं चलेगा। तो हम कहाँ चेंजेस करेंगे, तो सीधा सीधा ये जो आपने ये लेंथ लिया है ना, ये लेंथ हटा दो, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ करवा देंगे, 1.5D करवा देंगे, ठीक है। तो 1.5 इंटू 50 करते हैं, तो ये बन जाएगा 75 mm का लेंथ आ जाएगा। ओके, तो ये लेंथ हम कहाँ चेंजेस करेंगे, ये रहा, ये 50 है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या आता है ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी डिवाइड बाय 50 किया था, तो हम वापस मल्टीप्लाई बाय 50 कर देते हैं, अब डिवाइड बाय हम 75 करके देखते हैं। तो देखिए 73.01 आ रहा है आंसर, 73.01 न्यूटन पर mm². ओके, सो विच इज़ लेस देन सिग्मा सी परमिसिबल। ओके, परमिसिबल, तो हैंस यहाँ पे हम ऐसा बड़ा सा लिख देंगे कि सेफ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है साथ साथ, है ना। अभी एक लास्ट चीज़ करनी है, चेकिंग की इन क्रसिंग, ठीक है, चेकिंग की इन सीयरिंग, सॉरी नॉट क्रसिंग, क्रसिंग तो हो गए ना, अब सीयरिंग कर देंगे। तो सीयरिंग के लिए टी इज इक्वल टू यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एल इंटू ये हो गया एरिया, और टाउ इंड्यूस करवा देंगे, तो फोर्स हो गया और रेडियस डी बाई टू, ठीक है। तो चलो 1061.032 इंटू 10^3, तो विड्थ जो हमारी है 15.5 है, 75 लेंथ है, टाउ आई निकालना है, और 50 बाई 2, ठीक है। ये सब कुछ ऑलमोस्ट ऊपर की तरह ही है, तो टाउ इंड्यूस जो आएगा आप सीधा सीधा देख सकते हो कि सब सिमिलैरिटी है। देखो ये और ये, ये और ये, 75 75 50 बाई 2 50 बाई 2, है ना, सब कुछ सेम है। खाली एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है खाली 2 है, है ना, ये 2 हमें खाली एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या करना है आपको, ये जो हमारा आंसर आया ना, ये जो अभी हमारा 73 वाला आंसर आया था, जो कैलसी में टाइप ही है, उसको जस्ट आप क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका क्या आ रहा है, 36.5 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कैलसी में करके देखना है तो देख लेना, पूरा टाइप करना पड़ेगा और फिर जाके ये सेम ही आंसर आने वाला है, उससे अच्छा बेटर है ना डायरेक्टली हम यही आंसर लेके आए, विच इज़ लेस देन टाउ परमिसिबल। ओके, थोड़ा शॉर्टकट हमने किया कैलसी के अंदर, अगर आप बहुत बार कर रहे हो तो आप भी समझ जाओगे कि हर बार ऐसा ही आता है ना।
तो जो भी सिग्मा सी आई का आंसर आपके कैलसी में लास्ट आया था, और ये करने के बाद जो टाउ आई का आंसर आएगा वो इसका हाफ कर दो आप सीधा। ओके, तो हाफ कर दोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। ओके, और मल्टीप्लाई करके कैलसी में कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, तो बेटर है, हम टाइम बचाए हमारा। तो देखिए किस तरह से कितना टाइम बच गया है हमारा, है ना। चलो अब हमारा काम क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट फाइंड करना है ना। अब यहाँ से आपको नई चीज़ सीखनी है। यहाँ पे तो है नई चीज़ कि अब बोल्ट का डाया फाइंड करेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करेंगे। तो चलिए बोल्ट का डायमीटर फाइंड करने से पहले अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको नहीं सीखा होगा कि कपलिंग जो होता है, तो ये एक मैं फटाफट एक कपलिंग ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो ये कपलिंग है, तो कपलिंग का एक फ्लेंज बना दिया और हब बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने कपलिंग बनाई। अब कपलिंग में ये ऊपर वाला पार्ट है वो है फ्लेंज, ठीक है। ये कुछ इस तरह से फ्लेंज, ये फ्लेंज दिखेगी। ओके, यहाँ से होगा थोड़ा, ये ऊपर जो बनाया मैंने आप देख सकते हो कीवे बनाया हुआ है ना 3D में। तो ये एक कपलिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गए, होल हो गए, होल हो गए कपलिंग के फ्लेंज के ऊपर, होल हो गए नंबर ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट कितने रखने वो हमें हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट इसके अंदर ये होलो होलो है बराबर ना, ये होलो है अंदर से। तो इसके अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं शाफ्ट, ये शाफ्ट जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और शाफ्ट और ये जो कपलिंग है ये की की हेल्प से कनेक्ट हो गई। यहाँ पे हम की इंसर्ट करेंगे। ओके, इसके अंदर जाएगा की, है ना, ये की इंसर्ट होगा, ठीक है। और कपलिंग का जो दूसरा हिस्सा है ये इस तरफ से लगेगा, ये दूसरा हिस्सा लगेगा यहाँ से, ये कपलिंग का दूसरा जो हिस्सा है यहाँ पे जाएगा शाफ्ट। ओके, ये शाफ्ट जाएगा, ये शाफ्ट अंदर गया होगा। ओके, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी होल हो गए, ठीक है। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं बोल्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, बोल्ट डालेंगे। तो इसके अंदर हम बोल्ट डाल देंगे और फिर नट डाल देंगे इस तरफ से, ये इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उस तरफ से हम नट लगा देंगे, समझ रहे आपने। तो इस तरह से कपलिंग की डिज़ाइन होती है जनरली। तो इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे 2D में बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो आप 2D में समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को। चलो आप देखिए यहाँ पे ये कपलिंग का लेफ्ट पार्ट है और इसको मैं असेंबल करा देता हूँ राइट पार्ट के साथ। ओके, ये राइट पार्ट के साथ असेंबल कर दिया और ये होलो रहेगा, होलो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जाएगा शाफ्ट, दोनों होलो रहेंगे क्योंकि दो शाफ्ट को कोएक्सियल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कपलिंग। ये अंदर एक गया शाफ्ट लेफ्ट वाला और ये गया शाफ्ट राइट वाला, ठीक है। इसकी सेंटर एक्सिस एक्सिस बना लेते हैं शाफ्ट की। और ये जो शाफ्ट है की के हेल्प से कनेक्ट है, यहाँ पे लगेगी की, ठीक है, आधी शाफ्ट में आधी ये जो कपलिंग है उसके हब के अंदर, और एक की हम ऊपर से यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो चलो ये फिर कपलिंग बन गया और यहाँ पे हम डालने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं बोल्ट। यहाँ इंसर्ट करेंगे हम बोल्ट, ठीक है, यहाँ से बोल्ट अंदर जाएगा। तो ये बोल्ट अंदर जाएगा तो यहाँ से लगा देंगे हम नट, ठीक है, यहाँ से हमने नट लगा दिया, है ना। तो ये दो तरफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2D शेप है, तो 2D शेप तो दो ही दिखेंगे, बट ऐसे देखो कितने बोल्ट लगेंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कितने भी बोल्ट लग सकते हैं, ठीक है। तो अभी होता क्या है, जब ये कपलिंग इस तरफ से घूमेगा तो इसके टूटने के चांसेस कहाँ से, ये बोल्ट बोल्ट यहीं से टूटेगा, है ना, एग्जैक्टली यहीं से टूटेगा। तो बोल्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो क्या आएगा हमारा, ये तो π/4d² ही आएगा ना। बट आप देख सकते हो ऐसे एक बोल्ट नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ बोल्ट है ना। तो हम रेजिस्टिंग एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ बोल्ट इंटू ऐसे नंबर ऑफ बोल्ट के कितने एरिया हो गए, π/4d², एक बोल्ट का एरिया इंटू नंबर ऑफ बोल्ट, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये हमारा
बोल्ट का हम डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो ये मुझे लग रहा है कि आपको ये मैं जो भी समझाया ये समझ आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट की बात करें तो उस नंबर ऑफ बोल्ट का हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन है कि नंबर ऑफ बोल्ट एन इज इक्वल टू हम लेते हैं 0.02 डी प्लस 3। अभी इस एम्पिरिकल का रिलेशन का मीनिंग क्या है, देखिए आप अगर डायामीटर, ये दिस इज डायामीटर ऑफ शाफ्ट, ओके डायामीटर ऑफ शाफ्ट, मान लो डायामीटर ऑफ शाफ्ट कितना भी छोटा हो, जीरो तो होने वाला है नहीं, जीरो तो ये होगा है ही नहीं, बिंद एटलीस्ट 10 mm या 5 mm, 10 mm, 20 mm तो होगा, उससे बड़ा ही होता है शाफ्ट। ठीक है, यानी जो भी आप 10 लोगे या कुछ भी लोगे ये मल्टीप्लाई होगा 0.02 के साथ, ओके, और फिर आप उसमें प्लस 3 करोगे यानी आपका आंसर आएगा 3 point something something। ओके, इसका मतलब आप मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट 4 तो लेने ही वाले हो, इतना तो फिक्स हो गया बराबर, मतलब आप कैसी भी कपलिंग यूज़ करो 4 बोल्ट तो होने ही वाले हैं, है ना। ये तो इस एम्पिरिकल रिलेशन का ये एक इम्पोर्टेंस छुपा हुआ है कि 3 बोल्ट तो लेने ही है, बट 3 प्लस इसका पॉइंट हो जाएगा तो 1 तो हो ही, यानी 3 + 1 यानी 4 बोल्ट तो लेना ही लेना। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे कितने बोल्ट आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो हमारा जो शाफ्ट का डाया है वो 50 है, तो 0.02 × 50 हो जाएगा, प्लस 3 कर देना है। ठीक है, तो 0.02 करिए इंटू 50 करिए, तो देखो 1 आ गया, ये इसका आंसर आ रहा है 1 प्लस 3, सो दैट इज नंबर ऑफ बोल्ट हम यूज़ करने वाले हैं 4, है ना। तो नंबर ऑफ बोल्ट 4 यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे फॉर डायामीटर ऑफ द शाफ्ट, है ना। टू फाइंड डायामीटर ऑफ शाफ्ट, टू फाइंड डायामीटर ऑफ शाफ्ट, अभी यहाँ पे टॉर्क लेंगे। अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेंगे, एन टाइम्स पाई बाय फोर डीबी स्क्वायर, और सीयर होगा इसीलिए टाउ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डी बाई टू करना है यानी रेडियस जो मल्टीप्लाई करनी है, हर बार हम क्या डी बाई टू करते हैं, अब जिसने भी ये डी बाई टू कर दिया ना उसको बड़ा सा क्रॉस लग जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई टू नहीं करना, समझ रहे हो आप लोग, गलती से भी यहाँ पे डी बाई टू मत करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये चीज़ देख लो कि जब ये मैं एक कपलिंग बना लेता हूँ, ये दूसरी कपलिंग भी बाजू में बना ही लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो बोल्ट का सबसे पहले देखिए सबसे छोटे से छोटा डायामीटर होता है शाफ्ट का, ओके। ये मैं साथ साथ आपको एम्पिरिकल रिलेशन भी बता देता हूँ, तो शाफ्ट का डायामीटर होता है डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हब है, इसको बोलते हैं हब, ठीक है, HUB हब, तो हब का डायामीटर हमने बोल दिया है कैपिटल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी जो उसका एम्पिरिकल रिलेशन है 2D, यानी उस इसका शाफ्ट का डबल कर देना तो वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद एक डायामीटर आ रहा है ये वाला जो जहाँ पे बोल्ट लगे हुए है ना, जब ये आपने सर्कल बनाया था और यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट लगे थे, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ बोल्ट लगे थे, तो ये जो ये आप देख सकते हो ना ये वाला डायामीटर, ये पिच सर्कल डायामीटर जिसको हम बोलते हैं, जिस पे ये सारे बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक डायामीटर आएगा ये दोनों जो बोल्ट की एक्सिस पड़ रही है वो, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया कैपिटल डी वन। तो कैपिटल डी वन कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ओके, बहुत ईजी है यहाँ याद रखने का। और सबसे लास्ट में जो फ्लेंज ऊपर दिख रहा है उसको हम बोल देंगे D2, जो सबसे बड़ा डायामीटर है उसको ले लेना है आपको 4D, ठीक है। सिंपल चीज़ें, सबसे छोटा डायामीटर डी, फिर उससे बड़ा डायामीटर जो कैपिटल डी है वो लेना है 2D, उससे बड़ा डायामीटर जो पिच सर्कल डायामीटर जो है 3D, उससे भी बड़ा डायामीटर, सबसे बड़ा डायामीटर है D2, जो फ्लेंज का डायामीटर है वो हमें 4D लेना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बोल्ट है वो कौन से रेडियस पे है, तो D1/2, यहाँ पे आपको कौन सा डाया लेना है, D1/2 डाया लेना है ना। आप यहाँ से देख लो कि ये जो बोल्ट का जो डाया है वो कौन सा है, D1, वो D1 डायामीटर पे घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा डायामीटर वो आएगा D1/2, ओके, क्योंकि टॉर्क है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, ओके। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू रेडियस।
अभी देखो एरिया क्या ले लिया, ये वाला ले लिया एरिया। देखो ये एक बोल्ट का एरिया है, बट एक बोल्ट थोड़ी है, ऐसे तो चार बोल्ट है, तो चार बोल्ट इंटू नम ये एरिया। ओके ये एरिया हो गया इंटू स्ट्रेस हो गया, तो एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया। अब रेडियस मल्टीप्लाई करनी है ना, बट बोल्ट कौन से डायमीटर पे, डी वन वाले डायमीटर, इसलिए यहाँ पे डी वन बाई टू करना है ना। तो आप ध्यान से, यहाँ की के वक्त हमने स्मॉल डी बाई टू किया है, क्योंकि की जो है वो शाफ्ट पे लगती है, इसके कारण वहाँ पे स्मॉल डी बाई टू है ना। तो आप बहुत ध्यान से ये काम करना। ओके जब आप बोल्ट का फॉर्मूला लिख रहे हो तब। ओके तो बोल्ट का फॉर्मूला लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है कि बोल्ट कौन से डायामीटर पे है। तो सबसे पहला डायमीटर स्मॉल डी आता है, जो शाफ्ट का होता है। उसके बाद हब का डायमीटर आता है कैपिटल डी। उसके बाद आता है पिच सर्कल डायमीटर, जो डी वन बोलते हैं हम, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी लेनी है कि टेकिंग पिच सर्कल डायामीटर, पिच सर्कल डाया इक्वल टू डी वन इक्वल टू 3D लेना है। तो 3 × 50 लेना है, जिसको हम बोलेंगे 150 mm। ओके तो चलिए, जो टॉर्क हमारा था 1061 पॉइंट क्या था, टॉर्क 1061 याद रह गया मुझे, 1061.032। ओके 032 × 10³। नंबर ऑफ बोल्ट हमारे पास है 4 × π/4 dB, तो निकालना है हमें। और टाउ ऑफ बोल्ट, तो टाउ ऑफ बोल्ट हमें देखना पड़ेगा ना, टाउ ऑफ बोल्ट क्या है। टाउ ऑफ बोल्ट यहाँ पे लिखा होगा हमने 40, ठीक है। तो 40 लेना है टाउ ऑफ बोल्ट। और डी वन तो अभी अभी हमने निकाला, 150 ÷ 2, ठीक है। तो जो भी वो गलती करेगा यहाँ पे, डी वन बाई टू नहीं करेगा, वो स्मॉल डी बाई टू कर देगा, तो उसका यहाँ पे आंसर आएगा नहीं बोल्ट का, या तो बहुत बड़ा डायमीटर आएगा बोल्ट का, और आपको आपके फ्रेंड के साथ या आंसर के साथ मैच नहीं होगा वो डायमीटर फिर। ओके तो आप आई होप के समझ गए होंगे कि वहाँ पे वो डी वन, कैपिटल डी वन क्यों लेना है डायमीटर में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 10.61 आ रहा है। ओके तो 10.61 को हम स्टैंडर्ड डायमीटर जो बोल्ट है उसका क्या लेते हैं, 12 mm ले लेते हैं। तो 12 mm स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ बोल्ट आता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके एक आंसर तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट का निकाला, वो अब यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट निकाला, वो एक आंसर है हमारा, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे हमारा काम जो है हो गया है। नंबर ऑफ बोल्ट किस तरह से फाइंड करना है आपको पता चल गया, डायमीटर ऑफ बोल्ट किस तरह से फाइंड करना है आपको पता चल गया, ठीक है। ये नया चीज़ हमने यहाँ पे यही सीखा है, बाकी की डिज़ाइन है हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीख ली थी, वापस यहाँ पे तो रिविज़न हो गया। और शाफ्ट की भी डिज़ाइन हमने पहले ही कर चुके थे, जो शाफ्ट वाले जो सम्स मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। तो वो वाला पार्ट तो आपको इजी लगा होगा, और लास्ट में हमने आज नया जो सीखा वो नंबर ऑफ बोल्ट किस तरह से फाइंड करते हैं और साइज़ ऑफ द बोल्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये खाली देखिए डिफरेंस क्या है। आप देखो 40 किलोमीटर है तो यहाँ 50 किलो किलोवाट है, सॉरी 40 किलोवाट है तो यहाँ पे 50 किलोवाट है, यहाँ 450 RPM है तो यहाँ 250 RPM है ना, इतना डिफरेंस है। यहाँ 25% मोर है तो यहाँ 20% मोर है। ओके तो शाफ्ट डाया फाइंड करना है, शाफ्ट डाया फाइंड करना है, की डायमेंशन, नंबर एंड साइज ऑफ बोल्ट, नंबर एंड साइज ऑफ बोल्ट, ठीक है। सब कुछ सेम है यहाँ पे, यानी समर 2019 7 मार्क का सम आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ओके आप प्रैक्टिस करिए सम को, सेम सम है, एकदम कॉपी सम है। ओके तो चलिए, आई होप कि आज का वीडियो है आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।